किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा। एक नदी के किनारे दो मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। दोनों बड़े ही एक्साइटेड थे और जल्दी ही कोई बड़ी मछली पकड़ लेना चाहते थे। दोनों नदी में अपना अपना कांटा फेंकते हैं और मछली पकड़ने का इंतजार करने लगते हैं। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि पहले मछुआरे के कांटे में एक बहुत बड़ी और सुंदर सी मछली फंसी। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और दूसरे मछुआरे की तरफ देखकर उसने अपनी खुशी जाहिर की। फिर उसने उस बड़ी मछली को एक बड़े से डिब्बे में रखा और दोबारा कांटा नदी में फेंक दिया। इतने में उसके कांटे में कई छोटी छोटी मछलियां भी फंसने लगी और वो बहुत खुश था। करीब एक घंटा बीतने को था लेकिन दूसरे मछुआरे के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी थी। तो पहले मछुआरे ने उसे कहा कि अगर कोई मछली नहीं फंस रही है तो वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन दूसरे मछुआरे ने साफ मना कर दिया। कुछ ही देर में दूसरे मछुआरे के कांटे में भी एक बड़ी सी मछली फंसी, लेकिन उसने मछली को देखा और देखकर नदी में फेंक दिया। ये देखकर पहला मछुआरा बड़ा हैरान हुआ लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। देखते ही देखते दूसरे मछुआरे के कांटे में कई बड़ी बड़ी मछलियां फंसने लगी, लेकिन वो मछली की तरफ देखता और उसे नदी में फेंक देता। ये देखकर पहले मछुआरे से रहा नहीं गया और उसने दूसरे मछुआरे से पूछा कि तुम्हारे कांटे में कई बड़ी और सुंदर सुंदर मछलियां फंसी थी लेकिन तुमने वो सभी को नदी में फेंक दिया, ऐसा क्यों? तो दूसरे मछुआरे ने जवाब दिया, ध्यान से सुनना। दूसरे मछुआरे ने जवाब दिया, वो सभी मछलियां बहुत बड़ी थी और मेरे पास उन्हें पकाने के लिए कोई बड़ा बर्तन नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें नदी में फेंक दिया। मैं कोई छोटी मछली की तलाश में हूं जो मेरे बर्तन में आसानी से आ जाए और जिसे मैं आसानी से पका सकूं। उसका ये जवाब सुनकर पहला मछुआरा हंसा और उसने उसे सलाह दी कि दोस्त, अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है तो उस बड़ी मछली को काट कर तुम छोटे बर्तन में पका सकते हो। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग उस दूसरे मछुआरे की तरह ही है। एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की जिद में हम अपनी राह में आए छोटे छोटे मौके और अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी में मिला हर मौका हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए और रास्ते खोजने चाहिए कि कैसे इस छोटे से अवसर को एक बड़ी जीत में तब्दील कर सके। तो दोस्तों, आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ना करने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अगली कहानी लेकर हम सबसे पहले आप तक पहुंचे।